पूरे विश्व में कैंसर से बचाव के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। हर तरफ कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, अपने अपने स्तर से डॉक्टर समझाने का प्रयास करते हैं कि कैंसर से कैसे बचा जाए। कई ऐसे लक्षण होते हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाया जाता है कि वो समझें और जागरूक हों कि कैंसर अगर उनको हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, जहां पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है और किस तरह से डॉक्टर यहां पर अवेयर कर रहे हैं, उनसे जानेंगे यहां पर मौजूद डॉक्टरों से। कि कैंसर अवेयरनेस डे, आज के दिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, उसी में हम लोग ने भी अपने IMA में एक मीटिंग रखी है इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मिलकर, और उसमें हम लोग एक तरह से कुछ जो स्पीकर्स हैं हमारे, वो अवेयरनेस के लिए हमने इसे स्टूडेंट्स को भी बुलाया है, ताकि जो एक अवेयरनेस है कैंसर के लिए, कैंसर किस तरह की बीमारी है आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें एकदम इंसान का पूरा उसका घर, उसकी ज़िंदगी, उसके सब दांव पे लग जाती है अगर टाइम पे इलाज ना हो। इसीलिए हम लोग ने भी इसीलिए जैसे अभी आपने देखा डॉक्टर सुजाता राव हैं गायनी से KGMU में, उन्होंने कार्सिनोमा सर्विक्स पे एक अभी लेक्चर लिया है, और ओरल कैंसर, लंग कैंसर, इन सब पे अभी हमारे यहाँ लेक्चर्स हो रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, जैसे काशी में आज के दिन में जो मेरे से बोल रहे हैं, तो मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर होते हैं, जैसे कार्सिनोमा सर्विक्स है जो औरतों का बहुत ही कॉमन एक कैंसर माना जाता है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है उसका जो इलाज है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर टाइम पर डिटेक्ट हो जाए तो वो मरीज कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। तो उसके लिए अब तो वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिसमें HPV की वैक्सीन है, जिसके बारे में भी डॉक्टर सुजाता ने बताया भी था। तो अगर इस तरह की वैक्सीन्स को हमारी जो यंग जनरेशन है, जो फीमेल्स हैं यंग, 14 साल से पहले या 14 साल से बाद भी, अगर जो यंग हैं, जो हमारी यंग फीमेल्स हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि HPV की वैक्सीन लगानी उनके लिए कितना आवश्यक है। लेकिन मेरा मतलब यही है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अवेयर करना चाहूँगी अपनी जो यंग लड़कियाँ हैं उनको, कि वैक्सीन लगाना है उससे पहले एक HPV की स्क्रीनिंग करा लीजिए। स्क्रीन कराने के बाद जब 14 साल से ऊपर की उम्र है तो 3 डोज वैक्सीन की लेनी उन्हें ज़रूरी है, और बाकी अपने गायनी कंसल्टेंट से बात करें और उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएँ। स्क्रीनिंग के बारे में आपने जिस तरह से बताया है, तो इसकी किस तरह से एज होनी चाहिए, किस एज की महिलाएं स्क्रीनिंग कराएं? देखिए, 14 साल तक स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। 14 साल तक छोटी बच्ची, हम उन्हें और नहीं बोलते ना, हम बच्चे बोलते हैं, तो जब तक वो बच्चे हैं 14 साल की, तब तक तो 2 डोज वैक्सीन की बिना स्क्रीनिंग के लग जाती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उससे ज़्यादा उम्र पे, इसलिए कहा जाता है कि कई बार तो शादी भी हो जाती है ना, 15 प्लस, तो मतलब यह है कि एक तरह से हम ये मानते हैं शादी के बाद अगर आप वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं तो पहले एक स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी है, ये मतलब। तो आप पहले स्क्रीनिंग कर लीजिए इस HPV की, और अगर वो नेगेटिव आती है उसके बाद आराम से वैक्सीन लगवा लीजिए। स्क्रीनिंग को लेकर महिलाएं थोड़ा सा डरती हैं? एक आजकल तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है, तो कुछ नहीं, बस एक बार जाना है अपनी किसी गायनिक के पास, वो एक सैंपल निकाल के दे देंगे उसको, पैथोलॉजी में जहाँ स्क्रीनिंग संभव है वहाँ करवा दीजिए, आराम से हो जाती है, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के आपके इस प्रोग्राम में और कौन कौन स्पीकर्स के तौर पे डॉक्टर्स पार्टिसिपेट किए हैं? हाँ, अभी लंग कैंसर पे डॉक्टर शैलेंद्र हैं, उन्होंने लंग कैंसर पे लिया है, क्योंकि लंग कैंसर तो आप देख रहे हैं, अभी आपने सुना भी होगा कि अवेयरनेस उसकी तो बहुत ही कम है। लंग कैंसर के बारे में कहाँ किसी को पता चल पाता है कि हमारे लंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो तो इधर उधर ही कई चीज़ें सोचते रह जाते हैं कि कोई और बीमारी तो नहीं, कोई और तो नहीं लंग कैंसर, तो इसलिए उसकी भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। साथ में ओरल कैंसर, तो आप लोग सब जानते हैं ओरल कैंसर होता है तो पूरा प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, पहले वो
सर्जिकल डिपार्टमेंट उसका पूरा निकालना पड़ता है पार्ट, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बाय द प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट। तो उसको प्रिवेंशन तो उसका तो ये है कि हम यही चाहेंगे ना कि आप इस तरह की कोई अपनी हैबिट ना आप बनाएं जिससे ओरल कैंसर हो। मैं डॉक्टर शैलेंद्र यादव, अच्छा मैं डॉक्टर शैलेंद्र यादव, हेड थोरेसिक सर्जरी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। मैं इस प्रोग्राम में लंग कैंसर से संबंधित जानकारी दी है और इंडियन कैंसर सोसाइटी का मैं पहले भी सेक्रेटरी रहा हूँ, अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ साथ में। और ये 4 फरवरी को हम लोग सब साल हर साल इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ और साथ में जो जनरल पब्लिक है सबको हम लोग मिलजुल के एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता फैले और लोग कैंसर से संबंधित जानकारियां मिले जिससे कि इससे बचा जा सके। अब जानते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी भी डिजीज का प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बशर्ते ट्रीटमेंट से। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं विशेषकर लंग कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा कि लंग कैंसर आज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है और वो हमारे सोसाइटी में खासकर जहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है और साथ में सेकंड एक कहते हैं कि स्मोकिंग के अलावा टोबैको च्यूइंग हमारे यहाँ एक समस्या है और हमारे यहाँ की सब जगह है और जो जहाँ पीपल कॉन्शियस है, जहाँ की लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, धीरे धीरे जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ी, स्मोकिंग और साथ में टोबैको लेना कम किया, तो उसमें लंग कैंसर भी कम हुआ और साथ में टोबैको के साथ तो ओरल कैंसर का भी एसोसिएशन है, जो मुंह का कैंसर बोलते हैं। तो इसको रोकने का बेस्ट तरीका है कि स्मोकिंग को रोका जाए। और ये रोका कैसे जाएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ अवेयरनेस, हम लोगों को समझाएं, समाज में जाएं, स्कूल कॉलेजेस में जाएं और सोसाइटी में जाएं, लोगों को समझाएं कि भाई स्मोकिंग के क्या नुकसान है, उससे कैंसर, नॉट ओनली लंग कैंसर बट स्मोकिंग है, जैसे ब्लैडर कैंसर है, कुछ आंत के भी कैंसर्स होते हैं, ओरल कैंसर, सब इसका एसोसिएशन है। तो इसको रोकना है। अब इसको कैसे रोकना है, इसका लिए जो हमने बताया, इसके अलावा जो दूसरा उपाय है वो है कि अर्ली डिटेक्शन, मीन्स कि उसको पहले ही हमें पकड़ना है, जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। सर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लंग कैंसर किसी को होता है तो वो समझ नहीं पाता है कि उसको शुरुआत कैसे हुई है या ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह समझे कि इसकी शुरुआत हुई है तो वो इलाज कर सके। हाँ बिल्कुल, लंग कैंसर उन कैंसरों में है जिसका शुरुआती स्टेज में पता नहीं चलता है, यही इसका कारण है कि ये लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है और इसकी मॉर्टलिटी जो है, इससे मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दी अदर कैंसर्स जो कि सरफेस पे होता है, जैसे एग्जांपल आपको ब्रेस्ट कैंसर है। सिम्टम इसमें शुरुआती सिम्टम में अधिकांश में कफ होता है, जो कफ आपको 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 महीना, 1.5 महीने तक आपका यदि कफ नहीं जा रहा है और यदि आपको साथ में यदि खून आ जाता है साथ में खांसी में, तो एक सिम्टम हो सकता है। लेकिन इसका जो सिम्टम है वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक नहीं है, ये ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है, ये अदर कोई चेस्ट इन्फेक्शन है उसे भी हो सकता है। लेकिन यदि यही कफ यदि प्रोलॉन्ग्ड है, काफ़ी दिनों तक यदि है, तो आपको इसमें जांच करनी चाहिए। यूजली हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं, एक्सरे में यदि कोई डिटेक्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक सीटी स्कैन होता है। और यही कारण है कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में एक लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि रेडिएशन कम होता है, उससे आपको पता चल जाएगा और फिर आप डॉक्टर को दिखाइए, यदि कुछ ऐसा लगता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फिर से एवेलुएट करते हैं, या तो उसकी बायोप्सी होगी या कोई रिसेक्शन होगा, जो भी होगा वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल केस पे। मैं डॉक्टर सुजाता देव, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। और जैसा कि आज आप लोग को पता है कि आज वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग यहाँ पे IMA भवन में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे बेसिकली जो सर्वाइकल कैंसर पे जो महिलाओं में होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इसके बारे में बताया है। इसमें हम लोग इसमें जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया में ये नंबर 1 पे है, और अगर देखा जाए तो हर 7वें से 9वें मिनट के बीच में एक महिला की मौत होती है इस कैंसर से, और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा महिलाओं में कैंसर है जो कि रोका जा सकता है टाइमली, अगर वो पहले से ही डिटेक्ट करा जाए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत तरह के मेथड्स हैं,
जिसको हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं। तो उसमें जैसे कि क्योंकि यह जो ये इन कैंसर है ये बेसिकली HPV वायरस से होता है, जैसे कि कोविड फैला था उसी तरह का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उससे ये होता है, और उसी वायरस के लिए हम लोग बहुत तरह की स्क्रीनिंग करते हैं। और उसमें जैसे कि हम करते हैं कि HPV की टेस्टिंग ही करते हैं, और जो हम साइटोलॉजी टेस्ट करते हैं पैप स्मियर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, और अगर हमारे कम रिसोर्स पे है तो हम डायरेक्टली विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द सर्विक्स करते हैं बाय द अप्लाइंग ऑफ द एसिटिक एसिड। नहीं, ऐसा जेनेटिक तो नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो ये HPV वायरस होता है ये लगभग हर महिला और हर पुरुष में हो जाता होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे अच्छी कंडीशन है, इम्यूनो मतलब आपकी अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ अच्छा है, तो यूजली ये 8 से 10 महीने में ये ख़त्म हो जाता है अपने आप ही। हाँ, ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये परसिस्ट करता है, एंड इट टेक्स अराउंड 8 to 10 ईयर्स टू डेवलप द एक्चुअल फॉर्म जो कैंसर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 8 से 10 साल का टाइम है जब आप इसको टाइमली स्क्रीन कर सकते हैं, और स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंगली आप उसका डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लोग जो जो स्क्रीनिंग करते हैं वो 25 साल की उम्र में शुरू करनी चाहिए और 65 साल तक की उम्र तक होनी चाहिए। जैसे कि HPV टेस्टिंग है वो हर अगर 5 साल के बाद कराते रहना चाहिए, साइटोलॉजी की टेस्टिंग है तो वो हर 3 साल के बाद कराते रहना चाहिए, है ना, और हर 3 साल बाद अगर ठीक ठाक आया तो नेक्स्ट 3 ईयर के बाद करानी है, और कुछ गड़बड़ आता है तो उसके हिसाब से फिर डॉक्टर लोग इलाज करते हैं। ट्रीटमेंट तो बहुत तरह के हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए HPV वैक्सीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसका बहुत तेज़ी से हम लोगों को मतलब लड़कियों को भी बताते हैं, क्योंकि ये बहुत यंग एज में दे दी जाती है। नहीं, स्क्रीनिंग अपनी जगह है, स्क्रीनिंग तो अपनी जगह है, क्योंकि जो वैक्सीन है ये हमारी बहुत कम उम्र में ही लग जाती है। जैसे कि जो स्क्रीनिंग की टाइम है वो 9 वर्ष से लेके 26 वर्ष तक है। अगर 9 से 14 साल तक की उम्र की जो लड़कियां हैं उसमें 2 डोज की ज़रूरत पड़ती है, और जो 14 साल से ऊपर की लड़कियां हैं 26 साल तक उसको 3 डोज की ज़रूरत पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं कि और भी मतलब कि 26 साल तक ये क्यों है और भी, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट कैन बी गिवन अप टू 45, बट जितनी ज़्यादा एज होगी वैक्सीन का इफ़ेक्ट उतना ही कम होगा। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि इंडिया में भी ये वैक्सीन आ गई है, एंड गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि ये कम रेट पे सब जगह अवेलेबल हो। इसका फ़ायदा ये है क्योंकि जो हमारी पहले की जो 2 वैक्सीन चल रही हैं वो 2-3 डोज की है, ये वैक्सीन जो है सिंगल डोज होगी, और 9 से 26 साल तक की उम्र में कभी भी दे एक ही डोज लगेगी। तो ये एक तरीके का रामबाण होगा, एंड मतलब हम अगर ये आ जाती है और सब जगह हमारी फैसिलिटीज़ पे, जैसे कि अब गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि सभी महिलाएं मतलब वैक्सीन जितनी लड़कियां हैं सबको लग जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा और हम इस कैंसर से की जंग हम हो सकता है जीत ही लें। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कई हमने डॉक्टर्स से बातचीत की, उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो कई तरह के कैंसर होते हैं, सर्वाइकल कैंसर हो, लंग कैंसर हो, टोबैको हो, लेकिन लोग अगर जागरूक हैं, लोग अगर सही समय पर इलाज करें या सही समय पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो कहीं हद तक कैंसर से बचा जा सकता है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लक्षण होते हैं, कैसे बचाव किया जाए कैंसर से। तो ये भी एक सवाल उठता है कि अगर कोई भी कैंसर की शुरुआत हुई है किसी को भी, तो वो कहीं हद तक बच सकते हैं इलाज करके। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।